तो हेलो गाइस, क्या हाल है। आई होप कि अच्छा होगा। और आज के इस वीडियो में इस ब्रशलेस मोटर वाले ड्रोन का हम स्टेबिलिटी चेक करने वाले हैं कि किस तरह से स्टेबल रहता है। फिलहाल इस जगह पे हवा नहीं चल रहा है, मतलब इस वक्त पे बिल्कुल भी हवा नहीं चल रहा है। तो देखते हैं कि इसका स्टेबिलिटी कैसा रहता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर से करना, कंजूसी नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ड्रोन में मैंने बैटरी वगैरह डाल लिया है और ड्रोन को हम फटाफट से ऑन कर लेते हैं। ड्रोन को ऑन कर लिया है, रिमोट को हम ऑन कर लेते हैं। तो रिमोट भी ऑन हो चुका है और जो ड्रोन है और रिमोट है ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो चुका है एक साथ में। अब ड्रोन को कैलिब्रेट भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ड्रोन जो है कैलिब्रेट हो चुका है। अब चलिए फटाफट से हम ड्रोन को 1 की टेक ऑफ करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमने ड्रोन को 1 की टेक ऑफ कर दिया है और गाइस देख सकते हो ड्रोन में रिमोट, देखो मैं सिर्फ रिमोट को पकड़ा हूँ और देख सकते हो जो ड्रोन का स्टेबिलिटी है ना भाई, ब्रशलेस मोटर वाले ड्रोन का स्टेबिलिटी आपको टॉप ऑफ द लेवल का मिलता है। मतलब इसके जैसा स्टेबिलिटी आपको दूसरे ड्रोन में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इतना ज़्यादा स्टेबल ये खुद ही ड्रोन है। और वैसे बहुत सारे मतलब ड्रोन हम खरीदते हैं, E88 Pro या फिर बहुत सारे छोटे मोटे ड्रोन जो होता है 2500-3000 के आसपास रहता है, उसमें क्या होता है ड्रोन को स्टेबल करने के लिए आपको बटन दिया जाता है डेडिकेटेड, लेकिन इसके अंदर आपको बिल्कुल भी डेडिकेटेड बैटरी नहीं दिया गया है। और इस ड्रोन का प्राइस की बात करें तो लगभग 5000 से लेके 6000 रुपए के आसपास में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप अमेजोन वगैरह पे खरीदते हो तो आपको 6500 रुपए में देखने को मिलता है। वैसे ये जो ड्रोन है ना, मतलब काफी लॉन्ग टर्म तक चलने वाला। अगर आप कोई ड्रोन ढूंढ रहे हो जो कि लॉन्ग टर्म तक चले, खराब ना हो, तो आप इस ड्रोन को आराम से कंसीडर कर सकते हो। बिल्कुल तगड़ा ड्रोन है, बहुत दिनों से मैं यूज कर रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा बार, इतना ज्यादा बार क्रैश हो चुका है ये ड्रोन के, मतलब उसका क्या ही बताऊँ, कोई हद नहीं है। और ड्रोन देख सकते हो, मैं उसी वक्त से बात कर रहा हूँ और देख सकते हो ड्रोन जो है कितना ज्यादा स्टेबिलिटी है, मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो चलिए गाइस, अब ड्रोन को थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, क्योंकि भाई ड्रोन उड़ा रहे हैं और इंजॉय ना करें ये तो मजा ही नहीं आएगा। तो गाइस देख सकते हो हम ड्रोन को काफी ऊंचाई पे भेज चुके हैं और जो देखो ड्रोन जो है ना, मतलब फ्लाई करने में ओवरऑल मतलब ड्रोन जो है काफी मस्त है। और देख सकते हो वहाँ पे अपना मतलब काफी हाइट पे ये फ्लाई कर रहा है। ये जो है घर जो है शायद 3 मंजिला घर है, वहाँ पे इसको मैं फ्लाई कर रहा हूँ और देख सकते हो काफी मतलब स्मूथली काफी मस्त करके ये फ्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी इशू देखने को मिलता है। वैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है कभी कभी ड्रोन, तो इसमें ऐसा ऐसा कोई इशू कभी कभी आ जाता है, बट ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, इसको मैं फ्लिप करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोग को। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो अपना ड्रोन, जो ड्रोन है वो फ्लिप नहीं हो रहा है क्योंकि इसका जो बैटरी है वो लो हो चुका है, ठीक है। चलो मैं ड्रोन को लैंड करता हूँ और फिर उसके बाद इसमें बैटरी जो है रिप्लेसमेंट करते हैं हम। तो गाइस मैं ड्रोन को लैंडिंग वाला बटन दबा चुका हूँ और देख सकते हो अपना जो ड्रोन है काफ़ी स्मूथली से लैंड हो रहा है और इसको हम आज हाथ पे लैंड करवाने वाले हैं। देखते हैं कि हाथ पे किस तरह से लैंड होता है। तो गाइस देख सकते हो ड्रोन जो है अपना कितना पास में आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हो अपना जो ड्रोन है आराम से हाथ में लैंड हो चुका है। तो इस तरह से आप चाहो तो आराम से एकदम हाथ में लैंड कर सकते हो, हाथ पर से टेकऑफ भी कर सकते हो। बहुत सारे वीडियो में आप लोग को मैं दिखा चुका हूँ। तो चलिए इसका बैटरी रिप्लेस करते हैं और फिर इसको थोड़ा सा फ्लाई करते हैं 360 डिग्री फ्लिप वगैरह और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती है थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो गाइस ड्रोन का बैटरी को हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है और ड्रोन को ऑन कर लिया है। चलिए रिमोट को भी ऑन कर लेते हैं। रिमोट अपना ऑन हो चुका है। कैलिब्रेट करने के लिए सिंपली आपको इस तरह से करना है, ड्रोन आपका जो है कैलिब्रेट हो जाएगा। अब 1 की टेकऑफ करते हैं। तो गाइस देख सकते हो अपना ड्रोन है 1 की टेकऑफ हो चुका है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा 360 डिग्री फ्लिप वगैरह दिखाता हूँ और देख सकते हो अभी जो स्पीड है ना इसका, मतलब काफी बहुत ऊंचा गया है, बहुत बढ़िया ड्रोन है। पर देख सकते हो अपना जो ड्रोन है कुछ इस तरह से फ्लिप कर रहा है और जो कौवा था वो भी भाग गया इसका फ्लिप देख के, इतना तगड़ा ये फ्लिप किया। आराम से ब्रो, आराम से। ड्रोन जो है अपना क्रैश होने वाला था लेकिन मैंने इसको बचा लिया फिलहाल और ठीक से उड़ रहा है। अभी थोड़ा सा देते हैं दूसरे लोग को उड़ाने के लिए, देखते हैं कि किस तरह से उड़ा पाता है ये। तो गाइस हमने एक लड़का को पकड़ कर लेकर आ चुका हूँ, चलिए देते हैं इसको ड्रोन उड़ाने के लिए और देखते हैं कि कैसे उड़ा पाता है ये ड्रोन। वैसे इसको मैंने थोड़ा बहुत चीज़ें बता दिया है कि कैसे इसको 1 की टेक ऑफ किया था, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा तुम उड़ा करके दिखाओ कैसे उड़ा सकते हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ये 1 की टेक ऑफ बटन दबा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो ड्रोन जो है अपना 1 की टेक ऑफ हो चुका है। अब इसको ड्रोन को थोड़ा सा आगे तुम करो, जरा ऊपर मत करो, आगे करो, आगे आगे, अरे उससे नहीं देखा, आगे ऐसे हुई आप पीछे ऐसे हुई स्टार्ट बगा तो बहुत नहीं है, रुको ना, तुम्हारा उसे ऊपर नहीं चला खाली, अच्छा। अभी तुम ड्रोन को आगे जरा करो, तो उस वाले बटन से आगे करो, हाँ उसको ले जाओ आगे। तो गाइस देख सकते हो अपना ड्रोन, जो ड्रोन है वो धीरे धीरे आगे हो रहा है। मतलब देखो कोई भी नया बंदा होता है ना, उसको पूरे चीजें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है तब जाके वो उड़ा पाता है। और देख सकते हो मैं इसको छोड़ दिया हूँ आराम से। तुम ड्रोन को यार पूरा का पूरा क्रैश ही कर दिया। तो गाइस आप देखो कभी भी नए मतलब किसी बंदे को दे रहे हो ड्रोन उड़ाने के लिए, थोड़ा सा संभल के देना, जैसे कि इसको हमने दिया ले जाकर के, ये सोचो कि तार था यहाँ पे तो मतलब पास में वो गिर गया, अगर ज़्यादा हाइट पे जाके कहीं क्रैश हो जाता तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे अगर आप ड्रोन उड़ाना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कैसे ड्रोन को उड़ाया जाता है, आप जाकर के देख लेना, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगा और प्रॉपर वे में। तो आप जरा ये बताइए आपको ड्रोन उड़ा कर कैसा लगा। मुझे हम उड़ाएँ तो बहुत मतलब कि ज़्यादा फील हुआ,
बहुत मजा आया हमको, बहुत बढ़िया उड़ रहा है ड्रोन, इसमें से एक लेना है हमको। इसका जो प्राइस है लगभग 6500 रुपए, तो क्या आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं 6500 रुपए? एकदम एकदम कुछ कमाते माते हैं। हाँ कमाते हैं। चलिए महावीरवा वाला एक बार करेंगे ना, महावीरवा वाला आ जाएगा मेरे पास। माई के चोदो मामो, तेरा बहन के चोदो महावीरवा वाला, तेरा मैया के चोदो वाला। आराम से आराम से आराम से, ड्रोन को आगे करो यहाँ से। अरे इससे नहीं, इससे आगे होता है इस तरह से, ठीक है। चलो फ्लिप करने के लिए यहाँ पर ये बटन है, दबाओ इसको। अब इसको इस तरह समझ आया, अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है उड़ाने में, बहुत मजा आ रहा है हमको। तो गाइस मैंने इसकी स्टेबिलिटी अगर आपको दिखा दिया किस तरह से स्टेबल ड्रोन ये उड़ता है और इसका जो स्टेबिलिटी है वो कैसा है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी है और ये जो ड्रोन है काफ़ी अच्छा उड़ता है। आप इसको आराम से कंसीडर कर लेना अगर आप कोई ऐसा ड्रोन ढूंढ रहे हो जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चले, काफ़ी स्टेबल रहे, काफ़ी अच्छा रहे। मतलब देखो टॉय ड्रोन में सबसे बेस्ट मुझे ड्रोन ये ब्रशेस मोटर वाला लगा। आप ब्रशेस मोटर वाले ड्रोन को ले सकते हो, लेकिन आप लोग सोच रहे हो ये ऑब्स्टिकल जो सेंसर है ये काम का होगा, लेकिन ये मेरे हिसाब से और जहाँ तक मैंने इसको यूज़ किया है ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। ये ऑब्स्टिकल सेंसर ये वाला ऊपर जो घुंडी सा लगा है ना इसको बोल रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है। इसको देख करके आप मत लेना, बस ड्रोन जो है आपका नॉर्मली काफ़ी मस्त उड़ता है, काफ़ी तगड़ा फ्लाई करता है और स्टेबल भी काफ़ी ठीक ठाक रहता है। अगर हवा वगैरह चलेगा तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, वैसे ये ड्रोन काफ़ी मस्त है। मुझे तो ये ड्रोन काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।